पूर्व मंत्रियों एवं जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस का कई मांगों को लेकर एक दिवसीय विशाल धरना। भिंड जिला कांग्रेस कमेटी में खंडा रोड पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक दिवसीय विशाल धरना रखा, जिसमें पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री चौधरी राकेश सिंह, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉ. राधेश्याम शर्मा, युवा ब्रिगेड जिला अध्यक्ष पिंकी भदौरिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष माल सिंह कुशवाहा की मौजूदगी में विशाल धरना प्रदर्शन रखा। 8 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना स्थल पर ही डिप्टी कलेक्टर ने कांग्रेस का ज्ञापन लिया, जिसमें बाढ़ मुआवजा राशि, विद्युत व्यवस्था को लेकर परिवहन कार्यालय में अवैध वसूली पर रोक, गोहद में अवैध क्रेशर प्लांटों, सिंध चंबल में अवैध रेत उत्खनन पर रोक और नियम विरुद्ध ट्रांसफर व शहर के सीवरेज प्रोजेक्ट एवं पेयजल प्रोजेक्ट में हो रहे भ्रष्टाचार जैसी कई समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन दिया गया। पूर्व मंत्री डॉ. गोविंद सिंह, चौधरी राकेश सिंह एवं जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने भाजपा पर आरएसएस के निर्देश में चलने और विकास कार्यों में भ्रष्टाचार लगाने की कई गंभीर आरोप लगाए। कोई जाएगा नर्सिंग होम में जाएगा तो उसको कितने पैसे लगने चाहिए, कितने में सीटी स्कैन होना चाहिए, कितने में मलेरिया की जांच होना चाहिए, कितने में डेंगू की जांच होना चाहिए। अगर आप इस पर दे भी रहे हो तो कोई वो 5 स्टार होटल के रेट तय करना चाहिए, अनाप शनाप पैसे दिए। अब आ जाए हम देश में किसानों की बात। 2 ज्ञापन पत्र हमने सौंपे हैं, एक महामहिम राज्यपाल के नाम से जो 10 मांगें हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में तय की गई थी, वो ज्ञापन था। दूसरा हमारा यहाँ कलेक्टर भिंड को के नाम से ज्ञापन सौंपा है, जिसमें क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर, चाहे वो सीवर प्रोजेक्ट हो और चाहे वो जो अभी हाल में आई हुई बाढ़ आपदा हो, इन सब मुद्दों को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है। और जो हमारा सांकेतिक धरना था, निश्चित तौर पर इससे प्रशासन को समन जाना चाहिए। मैंने सीधा उसमें आरोप भी लगाया है कि जिले के कुछ अधिकारी कई माफियाओं के, कई भाजपा नेताओं के गोद में बैठकर काम कर रहे हैं, तो गोद से उतारने का काम अब कांग्रेस पार्टी करेगी। बाकी शिकायत ऊपर भी करेंगे क्या? मैं यही जिला प्रशासन के लिए काम करूंगा, चेतावनी दे रहा हूँ, धरने में बैठूंगा और अगले महीने लाहौर में प्रदर्शन करूंगा और उसके बाद कलेक्टर और एसपी के कार्यालय पे यह दस्तक। सिद्धांत हमारे नेता सोनिया गांधी ने कहा है, किसानों का आंदोलन है, उनकी मांगे उचित है। एक वर्ष से हमारे देश के किसान भूखों प्यासे पर हवा पानी गर्मी और सभी से परेशान होकर धरना आंदोलनरत है, उनका समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रही है। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे।